हे गाइस, आ गया हूँ मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू गेम प्ले वीडियो लेके। और इस गेम प्ले में मैं डबल डीपी यूज़ करने वाला हूँ। जी हाँ, डबल डीपी। तो फिलहाल यहाँ पे देखो, जब मैं उतरा तो उसे तो गन मिल गई, बट मुझे गन नहीं मिला। तो मैं यहाँ पर फ्लैंक करके दूसरी तरफ जा रहा था। पहले मैंने उसका लोकेशन देख लिया और फिर पता नहीं उसे मेरा प्रोटेस्ट पाया या फिर वो बस आ रहा था, वो मेरे पीछे लग गया। तो मुझे यहाँ से दुम दबाकर बिल्कुल भागना पड़ा और बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ पर बचा हूँ। मैं यहाँ पे साउंड ले लेके आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे मुझे स्कारल मिल गई है, अब चलो उसे अच्छे से ठोकते हैं। यहाँ पे जैसे उसका ध्यान मेरे से हटा और वो दूसरी तरफ मुड़ा, तब मैं ऊपर चढ़ा और फिर से मैंने उसे नॉकआउट करते ही मैं उसके पास गया और उसका पार्टनर ठीक मेरे पीछे था। मैं यहाँ पे सोलो वर्सेस डुओ खेल रहा, स्क्वाड नहीं है ये, डुओ है। तो मैंने देखा, पहले साउंड लिया कि वो वहाँ से आ रहा है, तो जब तक वो आएगा मैं इसे यहाँ ख़त्म कर देता हूँ। गलती से भी उसने मुझे मार दिया तो कम से कम उसके साथी को तो मैं लेके ही जाऊंगा। बस वो पीछे उसके बॉट था, तो मैं यहाँ आया, मैंने इसे आराम से मारा, बट मुझे लगा ये मर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। अभी देखो हम दोनों यहाँ पे एक दूसरे पे कितना ज़्यादा फ्लैंक करते हैं। वो भी ये सोच रहा था कि वो भी खुद को एक्सपोज नहीं करेगा और मैं भी एक्सपोज नहीं करूँगा। वो बीच बीच में बॉट फायर और पिस्टल से फायर, ऐसा वो बार बार दे रहा था। तो अभी आप यहाँ पर इंजॉय करो। कभी कभी गलती से वो अपने खुद को इस एक्सपोज कर दे रहा था और मैंने भी एक दो बार खुद को एक्सपोज किया था, बट आप उसको देखना। और यहाँ पे देखो वो कितना नचाता है। मैं जब भी अपना लोकेशन चेंज कर रहा था, असल में मैं लोकेशन चेंज नहीं कर रहा था, वो मेरे पे फ्लैंक कर रहा था, तो मैं भी उसके साथ अपना लोकेशन चेंज कर रहा था। अभी मैं गलती से खुद को एक्सपोज कर देता हूँ उसके सामने, तो मैं तुरंत फौरन भाग के यहाँ पे आता हूँ कवर में, और वो भी सेम खुद को एक्सपोज कर दिया था उसने, तो वो भी कवर में। यहाँ पे मैं काफ़ी देर से खड़ा था और उसको मेरे लोकेशन पता नहीं था, और उसने डायरेक्ट यहाँ पे रश किया, बट उसे भी मेरा लोकेशन पता नहीं था, ये अचानक से यहाँ आ गया था। और फाइनली इसको मारकर मैंने राहत की सांसें ली। इसको ठोकने के बाद मैंने यहाँ पे अच्छे से लूट किया और फिर मैं यहाँ से चला गया, क्योंकि यहाँ कोई था नहीं और मेरे पास अभी डबल डीपी था। तो मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैंने यहाँ पे हॉर्न मार कर देखा कि कोई बंदा यहाँ है कि नहीं, तभी मुझे आगे ये दिखा। और अभी देखो मेरे में और इसमें भी एक इंटेंस फाइट होता है। मैंने यहाँ पे स्कोप को चेंज करा और उसको देख रहा था टीपीपी से कि वो है कहाँ पे, तभी यहाँ पे एक गाड़ी आ गई। अब मैं सोच रहा था कि इसका किल मैं जल्दी से ले लूं वरना वो चोरी कर लेगा, बट देखो वो फाइनली वो किल लेके गया। सो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अपना लोकेशन चेंज करा और देखो इसके पीछे भी आपको एक बंदा दिखेगा। उसे काफी डैमेज दिया था, बस वो पिक करे, उसने गलत टाइम पे पिक किया और मारा गया। जब मैंने ट्री वाले बंदे को मारा तो उसके पीछे भी एक बंदा दिखा था, तो उसे ठोकने के लिए मैं यहाँ आया। सो इसको ठोकने के बाद मुझे लगा कि इस बंदे का इंटरनेट लैग कर रहा है, बट उसका नहीं, इंटरनेट मेरा लैग कर रहा है। आप मेरा पिंग देखो, यहाँ 400 और 300 एमएस हो गया था। ये रहा उसका फ्रेंड जो कि उसे बचाने के लिए यहाँ आया था, बट मैंने उसे फिनिश कर दिया था। तो मैं गलती से यहाँ गया और मैं तुरंत ऊपर भागा, और फिर अब यहाँ पे हम दोनों की फाइट देखो। वो भी नूबड़ा और आप एक नूबड़ी को तो अभी देख ही रहे हो। इसको ठोक कर मैं और बंदों की तलाश में निकल गया और मुझे फाइनली यहाँ पे एक टीम मिली। काफ़ी घूमने के बाद मुझे ये टीम मिली थी, तो दोनों को तो ठोकना ज़रूरी था। मैंने आराम से गाड़ी को ऊपर जाकर रोका और फिर उस बंदे को पता था, मेरी लोकेशन तो पता ही थी,
बट देख रहा था कि मुझे कहीं से एंगल मिल जाए और एक बेवकूफ़ बंदा ऊपर में वहाँ खड़ा था जिसको कि मैंने ठोक दिया। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा था कि उसने मुझे नहीं देखा बट उसने भी मुझ पर फायर किया था। सो अभी मैं इसे यहाँ पे पहले फिनिश करूँगा क्योंकि ये तुरंत रिवाइव हो जाएगा और मैं नहीं चाहता कि डीपी से मैं क्लोज वाला कॉम्बैट करूँ क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर बहुत कम है, ये तो आपको पता ही होगा। और उसका दूसरा बंदा मुझे यहाँ पे दिखा और देखो मैं यहाँ पे पक्का हार्ड स्कोप नूब वाला मैं यहाँ पे करके बैठ गया कि अब भाई तू बाहर निकल और मैं ठोकूंगा। यहाँ पे उसका थोड़ा सा बॉडी मुझे दिख रहा था बट मैं सोच रहा था कि वो थोड़ा सा और हिम्मत करके बाहर आए फिर मैं ठोकूंगा, बट वो अंदर वाले खिड़की से आया और फिर मैंने उसे ठोक दिया। सो ये इस गाड़ी का मैं वहाँ से पीछा कर रहा था, ये स्कूल के पीछे से निकला था, फाइनली ये यहाँ पे आके रुका, कम से कम रुका तो सही, मुझे नहीं लग रहा था कि ये रुकेगा। तो मैंने इन पे रेंडमली शॉट कनेक्ट करने का कोशिश किया बट हुआ नहीं, तो मैं सोच रहा था कि कहीं और से कोई एंगल लेता हूँ क्योंकि पीछे जोन बना था तो सारे बंदे पीछे ही होंगे। अभी मैं यहाँ पे आया बट आगे देखो आगे कुछ गाड़ी फूटी पड़ी है और ब्रिज ब्लॉक टाइप का सीन हो रखा है, तो मैं फौरन वहाँ से निकल गया। मैं जब अंदर यहाँ पे आ रहा था तो एक बंदा पीछे से कूदा, तो वो कूदा था और बड़ा अजीब AFK खड़ा था, बट वो AFK नहीं था, थोड़ा नूब टाइप का था। उन दोनों को फिनिश करके मैं यहाँ पे थोड़ा दूर आ गया जिससे कि मुझे स्नेक सब दिखे और घास रेंडरिंग थोड़ा कम हो, तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काला सा दिखा तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट कनेक्ट कर दिया, हल्का सा दिख रहा था इसलिए मैं लगातार फायर नहीं कर रहा था, कैसे फिनिश कर रहा था। अभी यहाँ पे जोन आ गया था तो मैंने तुरंत अपना गन चेंज किया और फिर उसे मैं चिप कर ही मारूंगा व्हीकल से क्योंकि मुझे उसका दूसरा साथी दिखा नहीं, पता नहीं वो कहाँ था। और ये भाई स्पेशल आया था ड्रॉप लूटने, तो मैंने तुरंत गाड़ी को घुमाया और उसका गिली सूट मैंने ले लिया क्योंकि ये यहाँ पे काफ़ी काम आता। सो गिली सूट लूटने के बाद मैं यहाँ पे आ गया जोन के एक अलग साइड से, तो मुझे ये बंदा दिखा, मैं इस पर फायर करने लगा बट ऊपर वाले ने मेरे बिल्डिंग के बगल में जो बंदा था उसने मेरा किल चोरी कर लिया, मैंने डैमेज दिया था, तो अभी देखो वो थोड़ा नेड वेड भी मेरे ऊपर करता है बट एक सॉलिड वाला नेड मैंने किया यहाँ पर। इससे पहले भी मैं 3 नेड कर चुका हूँ बट वो खाली गया था और यहाँ पे मुझे उधर से आवाज़ आया था फुटस्टेप का। सो 2 किल 1 में। अब लास्ट वाला बंदा मुझे पता था कि कहाँ होगा क्योंकि वहाँ पे व्हीकल लगा हुआ था और यहाँ पे पहले से था, साइड वाली बिल्डिंग में कोई हलचल नहीं थी तो मैं समझ गया था वहाँ पे होगा, मैंने थोड़ा सा पोक भी किया और चलो अभी उसे ठोक। यार इसको यहाँ पे देख के एक पल के लिए तो कलेजा मुँह को आ गया था कि ये कहाँ से आ गया यहाँ पे, बट इसे मैंने फिनिश किया और ये एक ईजी सा चिकन डिनर।